आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबार। रमेश कौशिक की जीत पर जींद विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने समर्थकों के साथ मनाई खुशी। गुलाल उड़ाकर किया रोड शो और बांटे लड्डू। जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने देश में भाजपा और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से रमेश कौशिक की जीत पर अपने समर्थकों के साथ जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर शहर में गुलाल उड़ाकर रोड शो किया और लड्डू बांटे। डॉक्टर मिड्डा ने जींद मतगणना केंद्र से जैसे ही जींद में कौशिक की जीत की खुशी मिली तो उन्होंने ढोल नगाड़ों की थाप पर रंग गुलाल उड़ाया और कौशिक की जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को मिठाई भी बांटी गई। अपने संबोधन में डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कहा कि देश की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से बेहतरीन फैसला लिया है और इस सरकार के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में सबका साथ सबका विकास के हित कार्य करके पूरे देश को जोड़ने का कार्य किया है और इसी का नतीजा है कि आज देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश दिया है। ये मानने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है, उनके की हुए कार्यशैली की जीत है। ये मानने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनकी जीत है। ये जीत पूरे हिंदुस्तान की जीत है। लोगों ने एक पक्ष में ही वोट डालने का काम किया, एक ही काम था, मोदी 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 और कुछ। और हरियाणा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली रही है, जो निष्पक्ष भाव से जो आपका नौकरी देने का काम किया, वो सब आपके सामने, उसके परिणाम आपके सामने। लोगों ने एक तरफा वोट डालने का काम किया। इससे ज़्यादा और जश्न क्या मनाएंगे, तो आज सिर्फ मोदी और भारत माता की जय। हिंदुस्तान की गद्दी पर दोबारा से माननीय नरेंद्र मोदी जी विराजमान हो गए, जो भारत माता के एक लाल है। बहुत समय बाद किसी एक ऐसे लाल ने दोबारा से इस गद्दी को राज करने का काम किया, उसके लिए सारे प्रदेश की सारे देश की जनता का बहुत बहुत दिल की गहराई उसका आभार व्यक्त करता हूं। जींद बार में वकीलों ने लड्डू बांट मनाई विजेंद्र की जीत की खुशी। जींद बार के मेंबर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं विजेंद्र सिंह। पूरे देश में बीजेपी की जीत और प्रदेश में हिसार लोकसभा से बीजेपी नेता पूर्व आईएएस विजेंद्र सिंह की जीत की खुशी में आज बार में एडवोकेट देवेंद्र शौकंद और वरिष्ठ वकील ईश्वर शौकंद ने सभी को लड्डू बांटकर खुशी मनाई। बार में सभी ने बार के सदस्य और केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे को हिसार से सांसद चुनने पर बधाई दी और सभी ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। बार के बीजेपी के नेता और वकील देवेंद्र शौकंद का कहना है कि बार की ओर से हिसार लोकसभा से बीजेपी नेता ब्रजेंद्र की जीत पर बधाई देते हैं और हिसार लोकसभा के विकास की कामना करते हैं। इनकी जीत में आज बार में लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। ये कल हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो ना भाई ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी की टिकट के ऊपर जो रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी हुए हैं, उस खुशी में जो ना सारे वकीलों में और जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, हमने इस खुशी में ये लड्डू बांटे हैं। उसमें ये खुशी भी हमारी शामिल है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उस खुशी में भी हम शामिल हैं। पूरी उम्मीद थी, बिल्कुल पूरी उम्मीद थी, और उम्मीदों पर जो लोग खड़े उतरे हैं उनके लिए लोगों का हम धन्यवाद भी करते हैं, सहयोग के लिए और समर्थन के लिए। तो बार के वरिष्ठ वकील शौकंद ने कहा कि विजेंद्र सिंह एक सुलझे हुए नेता है और आईएएस रहे हैं, उनकी समझदारी से हिसार लोकसभा का विकास होगा, अपने पिता की तरह बड़े समझदार नेता बनेंगे, उनको हम सब बधाई देते हैं। इससे बड़ी जिंदगी में मेरे को तो खुशी मिली नहीं। बीजेपी की मोदी जी की जीत है, सारा देश मोदी जी के साथ है, ब्रजेंद्र सिंह युवा है और देश का भविष्य है और हरियाणा का भी भविष्य ब्रजेंद्र सिंह में हमारे को दिखाई दे रहा है। तो हमने खुशी में लड्डू बांटे हैं और ब्रजेंद्र सिंह को शुभकामनाएं भेजी हैं और सारा जींद ब्रजेंद्र सिंह की खुशी में, सारा जींद के सारा हरियाणा ही झूम उठा है। नौजवान लड़का है, आईएएस से रिजाइन करके आया है, इंटेलिजेंट आदमी है, देश का भविष्य है। सोनीपत से हारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चर्चे हो रहे हैं बीजेपी की जीत से ज्यादा। सफेदों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार के रहे बड़े कारण, स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा चुनाव मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करना रहा मुख्य हार का कारण। बीजेपी द्वारा किए गए बूथ स्तर पर मैनेजमेंट से बीजेपी की जीत का बड़ा मार्जिन। सोनीपत लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार के चर्चे भाजपा प्रत्याशी रमेश कौशिक की जीत से ज्यादा हो रहे हैं। हर जगह पिता पुत्र की हार को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितने अंतर से हारे हैं वह कांग्रेस के लिए और हुड्डा परिवार के लिए चिंता का विषय है।
सोनीपत लोकसभा में सफीदो विधानसभा से रमेश कौशिक सबसे बड़े बहुमत के साथ विजयी हुए। सफीदो विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इतनी बड़ी हार ने सफीदो में जीत का दम भरने वाले स्थानीय कांग्रेस नेताओं की पोल खोल कर रख दी। सफीदों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार के बड़े कारण कई हो सकते हैं, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा कारण स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा चुनाव मैनेजमेंट को सही तरीके से नहीं करना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि 12 मई को मतदान के समय सफीदों के बहुत सारे पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के एजेंट तक दिखाई नहीं दिए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने बूथ स्तर पर जो मैनेजमेंट किया था उसकी वजह से भाजपा की जीत का मार्जिन बढ़ गया है। अगर कांग्रेस के नेता सही तरीके से चुनाव प्रबंधन करते तो शायद सफीदों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ता। सोनीपत से हारे पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रजातंत्र में हार जीत चलती रहती है। जींद काउंटिंग सेंटर का जायजा लेने के बाद अपनी हार से मायूस नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यहां हुड्डा ने बोलते हुए कहा कि जो नतीजे आ रहे हैं वो साफ है और प्रजातंत्र में हार जीत चलती रहती है। जो लोग फैसला ले रहे हैं वो उसका स्वागत करते हैं। यहां पर हुड्डा ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि ईवीएम पर अभी भी सवाल खड़े होते हैं। यह पूरा देश भी कह रहा है ईवीएम पर सवाल अब भी हैं। जब हुड्डा से पूछा गया कि उसने चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया था तो हुड्डा ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया और चुप्पी साध ली। जो नतीजा आ रहा है वो साफ है और प्रजातंत्र है, इसमें हार जीत चलती है। जो लोग फैसला करते हैं उसका स्वागत है। सर, जिस तरह से आपने ईवीएम को लेकर सवाल भी उठाए थे वो तो अभी है, वो सवाल तो अभी है, अब तक कोई जवाब नहीं दे सकते। रमेश कौशिक का बयान आया कि हारने के बाद सभी ऐसा ही बयान नहीं नहीं, ये पहले से था और ये कोई सवाल नहीं उठा सके। जो सवालिया निशान है ईवीएम पे पूरा देश कह रहा है, लेकिन जैसे जहाँ तक जो भी है नतीजा जो है, अगर लोगों का नतीजा है तो स्वागत है, प्रजातंत्र है, इसमें हार जीत चलती है। काउंटिंग से पहले जीत बड़ी जीत का दावा किया था। नागरिक अस्पताल में हुआ कूल्हा प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर संतलाल बेनीवाल ने किया 55 वर्षीय कमला का ऑपरेशन। कूल्हा प्रत्यारोपण ऑपरेशन अस्पताल में होना एक मिसाल। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतलाल बेनीवाल ने बताया कि निजी अस्पताल में कूल्हा प्रत्यारोपण का खर्च 4-5 लाख रुपए आता है, जबकि नागरिक अस्पताल में बहुत कम खर्च में ही कूल्हा प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन किया गया है। अस्पताल में कूल्हा प्रत्यारोपण ऑपरेशन के लिए सीएमओ डॉक्टर शशि प्रभा अग्रवाल, एसएम डॉक्टर गोपाल गोयल ने उनका सहयोग दिया। इसके अलावा उनकी पत्नी प्रीति ने भी इस जटिल ऑपरेशन के लिए उनकी हौसला अफजाई की। हमारे सिविल हॉस्पिटल जींद में अभी 55 वर्षीय एक महिला आई थी जो कि कूल्हे के दर्द से काफ़ी परेशान थी। पिछले 2 साल से जो दैनिक कार्य करने में भी असमर्थ थी, उसका हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई है जो कि सक्सेसफुल रही है और पेशेंट अब वॉकिंग है और स्वस्थ है। अभी यहाँ से 100-150 के करीब सर्जरी हो चुकी है, जिसमें हिप रिप्लेसमेंट पहली सर्जरी थी यहाँ की। इसमें अगर पेशेंट को पहले से दर्द है तो उसको रेगुलर विजिट करवाना चाहिए डॉक्टर के पास और उसी के अकॉर्डिंग उनको सलाह दी जाती है। इसमें अभी उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, पेशेंट स्वस्थ है और आगे की जो उनको देखभाल है उसको बता दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट चलता है। इससे पहले मैं पीजीआई रोहतक था जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया और ये यहाँ पे मेरी पहली जॉइनिंग है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। डिप्टी एसएम डॉक्टर राजेश भोला ने कहा कि नागरिक अस्पताल में जो भी सुविधाएं हैं उनका हर व्यक्ति को पूर्ण लाभ मिले, इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अस्पताल में कूल्हा प्रत्यारोपण जैसे जटिल ऑपरेशन पूर्ण तौर पर सफल तरीके से किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। नागरिक अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ की सुविधा पूर्ण तौर पर उपलब्ध हो चुकी है और हड्डी रोग से संबंधित मरीजों का सफल उपचार भी किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों के सहयोग से हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल कृत संकल्प है। देखिए, जिला जींद के सामान्य अस्पताल में हमारे ऑर्थोपेडिक से हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संतलाल जी। तो लास्ट वीक जो है हमारे यहाँ एक ओल्ड एज लगभग 45-50 ईयर्स की जो एक महिला थी जिसको कि कूल्हों की तकलीफ थी पुराने काफ़ी लंबे समय से, उनका टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी कि कूल्हों का बदल करके दूसरे ऑपरेशन किया गया है। और ये जिला जींद के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए हमारी एक बहुत बड़ी और अच्छी अचीवमेंट है। आप लोगों के माध्यम से हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि जो लोग जिला जींद के हैं और गरीब और पुअर पेशेंट्स हैं, उनको अगर इस तरह की कोई समस्या रहती है, सामान्य हड्डी के रोग से लेकर के कोई डिसलोकेशन फ्रैक्चर है, दूसरी चीज़ है, तो अब इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो सामान्य अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपलब्ध हैं और दी जा रही है निःशुल्क। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक
बेबाक।